बेटा, ए बेटा सुनना, देखना 12 बज गई है, मैं सबके मैसेज आ गए, मैंने अभी तक किसी को नए साल की शुभकामनाएं नहीं दी, प्लीज लिख देना। ले बेटा लिख दे, ले 2 मिनट लगेंगे, बस बस थोड़ा सा लिखना है, प्लीज प्लीज ले लिख, नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नहीं नहीं नहीं, रुक रुक रुक, यूं लिख, आपके और आपके परिवार को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ, और लिख आपके घर में सुख समृद्धि और बरकत हो, ऐसी मेरी कामना है, और आपका नया साल खुशियों से भरा हो। बेटा थोड़ा सा ये लिख देना यार, अच्छा लगता है कोई भी पढ़ता है तो, देखते मासी और सबने लिखा है, कितना खुश हो जाएंगे सब पढ़ के, कितना बढ़िया लिख के दिया है, पढ़ देना, एक दिन की बात है, आज नया साल के रोज रोज आता है क्या, तू इतनी सी बात नहीं सुन सकती, जरा लिख दे बेटा, इस क्या कर रही, बस इतना सा, बस एक लाइन और, बस एक आखिरी लाइन और, भगवान आपको सदा खुश रखे और आपके परिवार को भी खुशियों से भर दे। हाँ, ले लिख दे, बस 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 आखिरी ये लाइन आखिरी है। हाँ, और सुन, जितने भी मेरे ग्रुप है ना, और मासी बुआ जी सबके नंबर दे दो, ठीक है बेटा, मेरे को जरा काम है, कभी मेरे को आटा भी लगाना, तुम लोग को भी बोलोगे ना, भूख भूख भूख, लिख लिख दे, लिख दे। फिर से एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर, सबकी ना सटक गई है, सबके सब पगला गए हैं, पूरी तरीके से पागल हो गए हैं, इसको समझ नहीं आता, आज 31 दिसंबर है, कल न्यू ईयर है तो कल विश करो ना, आज क्या पागलों की तरह एडवांस में लगे हुए हैं, जितने भी ग्रुप है सबने में एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर, मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे माफ कर दीजिएगा, खाक माफ कर दीजिएगा, कल क्या गंगा नहा के आने वाले हो, कल से कोई गलती नहीं करने वाले, बेवकूफों की तरह ऐसा लग रहा है सुबह से कि साल का नहीं मेरा आखिरी दिन है, जो देखो जो एक ही एक मैसेज किए जा रहे हैं, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर, क्या एडवांस में, कल विश करना, कल न्यू ईयर है तो अगले सबके सब पूरी तरीके से पागल, आज किसको रिप्लाई थोड़ी कर दी, कल ही रिप्लाई, कल आज कल रिप्लाई करूं, अबे हैप्पी न्यू ईयर, क्या देख रहे थे, वाह रे न्यू ईयर, वाह नया साल, नया साल, पूरे अखबार में खाली नया साल, नया साल, नया साल, अंग्रेज चले गए पर नया साल छोड़ के चले गए 1 तारीख वाला, किसी को हिंदू संस्कृति की पड़ी ही नहीं है, ये तो हमारा नया साल ही क्या, बस इनको तो 1 तारीख को नया साल मनाना है, वो कौन सा दिन होता है, वो क्या बोलते है, हाँ वैलेंटाइन डे, वैलेंटाइन डे मनाना है इनको, तो ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी हमारा भारत भी अंग्रेज वाले ही बन जाना है पूरी तरीके से, क्योंकि हम पूरा तो अंग्रेजों को पीछे पीछे भाग रहे हैं, देखो आप हमारी संस्कृति में आज के दिन नया साल मनाया जाता है क्या, लेकिन अब आजकल के बच्चों को, आजकल की औलादों को कौन समझाए, उनको समझाना मतलब अपने पैर खुद ही कुलाड़ी मारने जैसा है, आज तो इस अखबार में भी कुछ पढ़ने लायक नहीं है, क्योंकि हमारा भैया हमारा नया साल तो आज नहीं है, हमारा नया साल तो आज नहीं है, क्या बोली तू, नहीं नहीं एक बार फिर से बोल, तो मुझे बस इतनी सी बात बता कि इस हैप्पी न्यू ईयर में क्या हैप्पी है और क्या न्यू है, सब कुछ तो वही का वही है, तू क्या किस मुंह से मुझे हैप्पी न्यू ईयर विश कर रही है, पर एक मिनट, तुझे तो सब पता है ना, उसके बाद भी तू मेरे को हैप्पी न्यू ईयर विश कर रही है, भले कितना भी हैप्पी न्यू ईयर पली चाहे साल बदल जाए, मेरे साथ तो धोखा हुआ ना, देखो तो धोखा मिला ना, फिर किस मुंह से मैं हैप्पी न्यू ईयर बोलूं, क्यों मैं न्यू ईयर मनाऊं, तुझे सब कुछ पता होते हुए तो मेरे को फोन लगा रही है, आज के बाद ऐसा मजाक मेरे साथ करना मत, ये तो तेरी मेरी दोस्ती आज से ही खत्म, तू मना तेरा न्यू ईयर तेरे बॉयफ्रेंड के साथ, चलो भगवान को भी हैप्पी न्यू ईयर विश करने का हो गया, अब आराम से 1 घंटा बैठूंगी और सबको न्यू ईयर विश करूंगी, आज तो ना मैं अपने दुश्मनों को भी याद करूंगी, उन सबको भी मैसेज कर दूंगी, वो भी खुश हो जाएंगे कि अरे आज इस बंदी ने याद कर लिया हमको, वैसे भी सब कहते हैं ना आज के दिन तो सब लोग माफी भी मांग लेते हैं और अच्छी अच्छी बधाइयां देते हैं, मैंने कल तो किसी से माफी मांगी नहीं, आज मांग लूंगी, वैसे भी क्या रखा है जिंदगी में, सब बोलते ही है ना हमेशा कि 4 दिन की जिंदगी है, क्या पता कल क्या हो, कल मैं रहूं ना रहूं या कल वो रहे ना रहे, इसलिए आज सबको याद कर लेती हूँ, सबको न्यू ईयर विश कर देती हूँ।